हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? अरे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मंदीप कोदारा सर पे। तो एक बार सारे बच्चे भाई फटाफट एक बार सारे बच्चे फटाफट वीडियो को शेयर कर दो भाई मेरे। नमस्कार HR81 जाट भाई, नमस्कार। सभी को नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि भाई आप बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी। नमस्कार प्रवीण, मधु, क्या गगन गुप्ता, रजनी चौधरी, सभी को नमस्कार भाई। सत श्री अकाल प्रवीण संधू, मधु प्रजापते, सभी को नमस्कार भाई। एक बार सारे बच्चे फटाफट जो अपना काम करते होते हैं वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। राजेश कुमार भाई, CET का पेपर कब होगा ये पता नहीं अभी तक, ठीक है। हेलो भाई, सभी को नमस्कार। तो आज किस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। हमारी ये 7वीं क्लास है। तो एक बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भाई डेली शाम को 9 बजे हमारी साइंस की क्लास आती है, जिस टाइम आप लोग देख रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा भाई सुबह 6 बजे, ठीक है, हमारी इंग्लिश की क्लास आती है, ठीक है, जिसमें हम लोग इंग्लिश के MCQs डिस्कस करेंगे कल। और सुबह 9:30 बजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल हस्बेंड्री के MCQs की क्लास होती है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक क्लास हो चुकी है, बाकी एक क्लास कल सुबह 9:30 बजे होगी। तो आप सभी को 9:30 बजे सुबह आना है भाई मेरे। कौन कौन आएगा एक बार जरूर कमेंट करके बता दो मुझे कौन कौन आएगा, ठीक है। मधु प्रजापति ले ली बेटा, आपकी सभी के नमस्ते ले लिए। सारे बच्चे एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दो। नमस्कार ममता सांगवान, राम राम बेटा, राम राम। मधु चौधरी, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, ठीक है। तो स्टार्ट करें भाई हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज। काफी बच्चे आ चुके हैं, वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। आते रहेंगे बच्चे, जो लेट हो गए हैं वो आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज। आर यू रेडी? क्या सभी तैयार हैं? गुड इवनिंग कुलदीप भाई। चलो सही है भाई, करें स्टार्ट। ओके 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 ओके, सही बात है जी। हाँ भाई, रोटी राटी खा लिए, बिल्कुल बिल्कुल सब रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है ये किसके कारण होती है? एक बैक्टीरिया के कारण होती है, एक फंगस के कारण होती है, एक वायरस के कारण होती है, या एक प्रोटोजोआ के कारण होती है? फटाफट सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर ये जो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है ये किसकी वजह से होती है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है, फोबिया का मतलब होता है डर लगना। हाइड्रो का मतलब, जहां भी हाइड्रो लिखा आ जाए तो हाइड्रो का मतलब होता है प्यारे बच्चों वाटर। जहां भी हाइड्रो लिखा आ जाए तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? पानी। हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं पानी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर आप बहुत, राजेश कुमार भाई प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। भाई स्पेशल का साइंस ही करवाता हूं मैं, जीके कहां करवाता हूं, आपने देखा नहीं। हाइड्रो का मतलब होता है प्यारे बच्चों पानी, ठीक है। जहां भी पानी की बात आती है तो पानी हाइड्रो लिखा मिलेगा आपको। और इस बीमारी को दूसरा नाम रेबीज वायरस से फैलती है प्यारे बच्चों। ये वायरस से होने वाली बीमारी है, रेबीज वायरस, ठीक है। कुत्ता कुत्ता काटने से, बिल्ली काटने से ये वायरस फैलता है हमारा, रेबीज वायरस, ठीक है। कुत्ता है, बिल्ली है, या फिर चूहा काटने से भी फैलता है। तो इस तरह के जानवरों को काटने से फैलता है, और ये एक वायरस से होने वाली डिजीज है प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया से नहीं, यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है, यह एक विषाणु जनित रोग है। कौन सा है भाई? वायरस से होने वाली बीमारी है, विषाणु जनित रोग है भाई। ये क्या है? वायरस से होने वाला बीमारी है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यह वायरस से होने वाली बीमारी है प्यारे बच्चों, हाइड्रोफोबिया। किससे होता है ये वायरस से होता है, रेबीज वायरस, काटता है ना, कुत्तों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके काटने से ये बीमारी होती है, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।
आगे बढ़ें तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। विच ऑफ दीज कंसिस्ट ऑफ कार्बन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन होता है? लिग्नाइट में होता है, टिन में होता है, चांदी में होता है, लोहे में होता है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है और इसको आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि सर जो ऑप्शन नंबर बी है आपका टिन, ऑप्शन नंबर जो सी है चांदी और लोहा, ये तीनों के तीनों एलिमेंट है, इसके अंदर एक ही है जो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों क्या है प्यारे बच्चों? एलिमेंट है, बाकी तीनों के तीनों क्या है? तत्व है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। अच्छा ये प्यारे बच्चों मुझे एक बार बताओगे क्या लिग्नाइट होता क्या है सर? ये लिग्नाइट होता क्या है जिसके अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है? ठीक है, ये लिग्नाइट होता क्या है जिसके अंदर कार्बन की पात पाई जाती है? कोई बात नहीं बेटा, आप नोट करते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है, साथ के साथ आप नोट करते जाओ, लिखते जाओ। क्या कह रहे हो ममता, आपकी बात मेरे को सुनी नहीं है? ठीक है, हाँ लिख लो बेटा, साथ साथ नोट कर लो, जैसा आपको सही लगे ना, ठीक है। कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दे, ब्लॉक क्यों करना है अपन है, ठीक है। भगवान ने आप पे ब्लॉक करा क्या है? दिमाग तो ब्लॉक करा क्या भगवान ने, अपने क्या था ब्लॉक करना है। तो प्यारे बच्चों लिग्नाइट जो होता है ये एक प्रकार का कोयला होता है। क्या होता है? कोयला होता है और इसके अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है 25 से 30%। कितनी? 25 से 30%, ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लो, ठीक है, ओके। चलिए चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं, और सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दो भाई साहब। व्हाट इज द लाफिंग गैस? लाफिंग गैस कौन सी होती है? हास्य गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज द लाफिंग गैस? हास्य गैस के नाम से इसको जानते हैं। कौन सी होती है? इसको एक और नाम से भी जानते हैं भाई, लाफिंग गैस के अलावा एक और नाम से भी इसको जानते हैं, बताइए वो क्या है? ठीक है, हाँ, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रोसाइट, चार प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, ठीक है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रोसाइट, शाबाश, बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र बेनीवाल, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। N2O, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, N2O है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, हास्य गैस बोलते हैं, और प्यारे बच्चों इसको एनेस्थीसिया गैस के नाम से भी जानते हैं, बेहोशी वाली गैस भी इसको कहते हैं, बेहोशी, इंसान को बेहोश करने के लिए इसका यूज किया जाता है, एनेस्थीसिया गैस के नाम से भी इसको जानते हैं, बेहोशी वाली गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। ऑप्शन होगा आपका किस? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन प्यारे बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, एंथ्रोसाइट जो है वो एक टॉप क्वालिटी का कोयला होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, टॉप क्वालिटी का कोयला होने का मतलब है उसके अंदर इंप्योरिटीज नहीं होती, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, आगे बढ़े, वेरी गुड भाई। चलिए तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार, आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था? आरडीएक्स का एक प्रश्न आपके पेपर में आया था, व्हाट इज द आरडीएक्स? आरडीएक्स क्या होता है? व्हाट इज द आरडीएक्स? तो मुझे बताइए आरडीएक्स क्या होता है? आरडीएक्स एक एक्सप्लोसिव होता है, एक विस्फोटक होता है। ये आपके पेपर में पूछा गया था कि आरडीएक्स क्या होता है, तो आरडीएक्स एक विस्फोटक होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव के नाम से इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, समीर भाई राम राम, ठीक है। तो ये आरडीएक्स होता है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है ये, है ना, आपने सुना होगा सर, कई बार जब आतंकी हमले होते हैं तो कई बार न्यूज में आता है कि उसके पास इतना आरडीएक्स बरामद हुआ, इतना आरडीएक्स बरामद हुआ, यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है प्यारे बच्चों। और इसकी खोज की हम बात करें तो एक जर्मन साइंटिस्ट हैनिंग, हैनिंग ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी जिस भी बच्चे का आंसर था, हैनिंग ने इसकी खोज की थी, ठीक है, हैनिंग ने इसकी खोज की थी, आरडीएक्स। आरडीएक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर चार आपका राइट आंसर होगा, हैनिंग, ठीक है, हैनिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लेसिव, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों चलिए भाई चलिए, बहुत अच्छे भाई साहब, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डिपेंड अपॉन, एक पेंडुलम होता है उसका समय अवधि जो होती है ये किस चीज पर निर्भर करती है? क्या द्रव्यमान पर निर्भर करती है, या लंबाई पर निर्भर करती है, या समय पर निर्भर करती है, या लंबाई और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है? तो प्यारे बच्चों थैंक यू भाई, थैंक यू HR 81 जाट, ठीक है, नाम बोल दे भाई, तेरा नाम बोल देंगे, ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ वही होता है, वही होता है, बिल्कुल बिल्कुल।
सुरेंद्र वही होता है, उसी का नाम हो, उसी का दूसरा नाम आरडीएक्स होता है, ठीक है। चलिए, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डिपेंड अपॉन, तो प्यारे बच्चों आप लोग सोचेंगे कि ए और बी दोनों होगा, बिल्कुल नहीं होगा। टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम की यहां पर बात की गई है, यहां पर सेकंड पेंडुलम की बात नहीं कही गई प्यारे बच्चों। अगर सेकंड पेंडुलम की बात कही होती तो आपका द्रव्यमान होता, लेकिन सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, एक बार ध्यान से देखना इस चीज को। इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी, ये इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो किस पर निर्भर करता है ये, लंबाई पर। अगर पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, उसका आवर्त काल भी बढ़ेगा। और ग्रेविटी के क्या होता है प्यारे बच्चों, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ग्रेविटी कम होगी वहां पर पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और पेंडुलम की स्पीड, अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा प्यारे बच्चों तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये एक सिंपल पेंडुलम देखा होगा आप लोगों ने, पेंडुलम नहीं देखा आप लोगों ने, पेंडुलम, ठीक है, ये इस तरह से। और यहां से एक सवाल पूछा जाता है ना, यहां से एक सवाल भी पूछा गया है आपके एसएससी ने पूछा है, ठीक है, एसएससी ने एक सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है कि मान लीजिए एक झूला है, एक झूला है, एक झूले पर एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, झूले पर एक व्यक्ति बैठा है, 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति बैठा है। तो प्यारे बच्चों मैं कहूं कि इसी के बगल में, इसी के बगल में अगर एक और 60 किलोग्राम का व्यक्ति आ जाए, यानी कि इसकी गर्लफ्रेंड अगर इसके साथ आके बैठ जाए, तो इस झूले की स्पीड पर क्या असर पड़ेगा, बताइए प्यारे बच्चे, इस झूले की स्पीड पर क्या असर पड़ेगा। तो आप कह दोगे सर कि यहां पर तो बात हो रही है मास की, और मास का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ, 9 बजे क्लास शुरू होती है भाई, डेली 9 बजे, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। ऐसे लग रहा होगा आपको स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन यहां पर मास का कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त। और जो झूला होता है वो एक सिंपल पेंडुलम की तरह ही काम करता है, लंबाई का असर पड़ेगा लेकिन इसके मास का कोई असर नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये क्या रहेगा, स्पीड क्या रहेगी प्यारे बच्चों, इसकी सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी मेरे भाई, ठीक है ना। शाबाश भाई, बहुत अच्छे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ममता सही कह रहे हो, बिल्कुल सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बॉडी इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ मोर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड, जो ध्वनि, हवा में ध्वनि की जितनी चाल होती है उससे अगर तेज गति से कोई चीज चले तो उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए। जी का पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर, ठीक है, हाँ खड़े होगा, हाँ अगर ये खड़ा हो जाएगा ना, तो खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंबाई कम हो जाएगी, और अगर लंबाई कम होती है तो इसका टाइम पीरियड भी कम होगा, और टाइम पीरियड कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। इसीलिए तो खड़ा होके झूला झूलते थे तो स्पीड क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी प्यारे बच्चों, स्पीड बढ़ जाती थी, ठीक है। खड़ा होने से लंबाई कम होगी, लंबाई कम होगी टाइम पीरियड कम लगेगा, टाइम कम लगेगा मतलब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम कम लगेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए बचपन में खड़ा होकर झूला झूलते थे, है ना, क्यों झूलते थे, ताकि स्पीड बढ़ जाए, टाइम पीरियड कम हो जाए। इसका बताओ भाई, जो बॉडी, कोई भी बॉडी अगर साउंड की स्पीड से तेज चलती है तो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आप में से सभी का आंसर बहुत से सही है, राइट आंसर है सभी बच्चों का, क्या बोलते हैं उसको प्यारे बच्चों, सुपरसोनिक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं। जो भी मिसाइल, खासकर ये जो अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, ये चलते हैं स्पीड से, है ना, गाड़ी वाड़ी तो चलती नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सुपरसोनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं, ठीक है। और किससे पता लगाया जाता है इसका, इसका मैक नंबर से पता लगाया जाता है प्यारे बच्चों, किससे, मैक नंबर से पता लगाया जाता है, मैक नंबर, या इसको मैक संख्या भी कह सकते हो आप लोग, कि जिसका मैक नंबर 1.2 से लेकर के 5 तक होगा प्यारे बच्चों वो अपनी सुपरसोनिक होगी, और जिसका मैक नंबर 5 से ज्यादा हो जाएगा उसको प्यारे बच्चों क्या कह देंगे हम लोग, हाइपरसोनिक कह देंगे, क्या कह देंगे मेरे दोस्त, हाइपरसोनिक कह देंगे, ठीक है। और मैक नंबर की बात करें तो मैक नंबर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों मैक नंबर एक रेशियो होता है, क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्पीड बटा में साउंड की स्पीड बटा में हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल, इनका दोनों का रेशियो होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैक नंबर, बताइए प्यारे बच्चों मैक नंबर की यूनिट क्या होती है, मैक नंबर की
यूनिट क्या होती है? ठीक है, हाँ कल जो 30 है भाई, झूला झूलते होंगे है ना। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है? ए पोस्टियर पिट्यूटरी हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग दी परसुरेशन। प्रसव के दौरान पीयूष ग्रंथि जो होती है कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? प्रसव होता है प्यारे बच्चों जब डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के दौरान हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वेरी गुड भाई, 4 8 कहता है यूनिट लेस, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है प्रसव के दौरान? तो प्यारे बच्चों सभी लोग जानते होंगे इस चीज को, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो आप कहेंगे मेरे भाई कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो आप कहेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है सर? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है मेरे दोस्त? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और इस हार्मोन को बहुत अलग अलग नाम से, इसको बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जन्म देने वाला हार्मोन भी कहते हैं। और ये हार्मोन काम क्या करता है प्यारे बच्चों? तो जब जब महिला बच्चे को जन्म देती है, तो जब किसी बच्चे की डिलीवरी होती है प्यारे बच्चों, तो ये यूट्रस का साइज बढ़ा देती है। क्या कर देते हैं? यूट्रस का साइज बढ़ा देता है, जिससे महिलाओं को लेबर पेन नहीं होता, जिससे प्रसव पीड़ा नहीं होती, बच्चे को जन्म देने समय उसमें प्रसव पीड़ा जो पेन होता है उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो जब डिलीवरी के समय जो इंजेक्शन लगाया जाता है प्यारे बच्चों, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों कि कभी कभी, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी माता के अंदर दूध की मात्रा पूरी नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी महिलाओं में दूध की मात्रा पूरी नहीं होती, तो दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, बताओ? ठीक है, और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है महिलाओं के अंदर उनकी मेमियल ग्लैंड जो होती है, दुग्ध ग्रंथियां जो होती है, वो विकसित नहीं होती, तो दुग्ध ग्रंथियों को डेवलप करने के लिए, इनको विकसित करने के लिए, ठीक है, डेवलप करने के लिए, इनको विकसित करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। मेमियल ग्लैंड छोटी रह जाती है, ठीक है, वो विकसित नहीं हो पाती, वो डेवलप नहीं हो पाती, तो उसको डेवलप करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए किसका इंजेक्शन लगाया जाता है, मैं आप लोगों से ये बात जानना चाहता हूं। ठीक है, तो बताइए प्यारे बच्चों, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए किस इंजेक्शन का टीका किसका टीका लगाया जाता है? तो आप कहोगे मेरे दोस्त, प्रोलैक्टिन हार्मोन का टीका लगाया जाता है। कौन से का? प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्टिन हार्मोन आ गया ना, तो लैक्टिन का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्टिन, लैक्ट वर्ड आ गया, लैक्ट का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों दूध, यानी कि मिल्क। तो मिल्क की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए प्रोलैक्टिन का टीका लगाया जाता है। और प्यारे बच्चों बात करें बर्थ हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, जन्म देने के लिए, या फिर मेमियल ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियों को डेवलप करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक बात है ना मेरे भाई, समझ गए होंगे सारी बात, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे सारी बात है ना। लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसको, इसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली ये हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी अगर पुरुषों के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो मेरे भाई बहुत खतरनाक हो जाता है, इससे बाइसेक्सुअलिटी आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है इससे? बाइसेक्सुअलिटी आ जाती है। ठीक है, और इसीलिए इसको लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, हाँ, प्रोलैक्टिन जो होता है ये दूध की मात्रा को कंट्रोल करता है मेरे दोस्त। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी धातु इंसुलिन में उपस्थित होती है, बताइए प्यारे बच्चों, आंसर बताइए। और सारे बच्चे भाई वीडियो को शेयर कर दो यार, तुम वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, वीडियो को शेयर किया करो यार, इतनी इतनी आप लोगों के पास इतने कॉन्टेक्ट में बच्चे होते हैं, आप वीडियो को शेयर नहीं कर सकते है ना, ये बात मुझे बड़ी दुख देती है, आप वीडियो को शेयर नहीं करते, आप मुझे दिल से प्यार नहीं करते, आई नो। ठीक है, बताइए कौन सी धातु होती है इंसुलिन के अंदर? ठीक है, आप लोग शेयर करते हैं, जितने ज्यादा बच्चे आते हैं उतना हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हमारा भी मन करता है यार बड़ी बड़ी क्लासेस लेने का। तो प्यारे बच्चे बहुत, अनिल कुमार, अनिल कुमार, कुलदीप सिंह, भाई तेरा तो नाम किए लियो मैं भी।
सुरेंद्र बनीवाल, एचआर जाट, सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर है भाई। कौन सा इंसुलिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों जिंक पाई जाती है। और इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो आप कह दोगे मेरे भाई अग्नाशय, पेनक्रियाज से रिलीज होता है। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है हमारी बॉडी की, एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड होती है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, और यही रिलीज करती है प्यारे बच्चों क्या? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा तो आप डायबिटीज से बच जाएंगे प्यारे बच्चों, और हमें ये मधुमेह रोग से भी बचाता है। ठीक है, तो किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो आप कह दोगे प्यारे बच्चों इंसुलिन हार्मोन की। और इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो प्यारे बच्चों ये अग्नाशय के अंदर जो बीटा सेल होती है, कौन सी सेल होती है? बीटा सेल होती है, वो इस इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। वो इस इंसुलिन हार्मोन का क्या करती है प्यारे बच्चों? निर्माण करती है। ठीक है, ये मिक्स ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये हार्मोन के साथ साथ जूस भी रिलीज करता है। हार्मोन के साथ साथ क्या करता है? जूस भी रिलीज करता है। ठीक है, कविता जी गुड इवनिंग। ठीक है, अब भाई देखो क्लास में यार फालतू के कमेंट ना क्या करो। गुड इवनिंग ले लिया मैंने एक बार, सभी का ले लिया है ना, अलग अलग थोड़ी ना समझा करो यार प्यारे बच्चों आप लोग भी ना। हाँ, बीटा सेल्स रिलीज करती है। ठीक है, ओके मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सोडा वाटर ऑब्टेन बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने से सोडा वाटर क्या बन जाता है भाई साहब? उसका नेचर कैसा हो जाता है बताइए? क्या बन जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, बेसिक टू नेच क्या बोलते हैं, बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, या रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है? क्या बन जाता है? ओके कविता, अभी आए हो तो बेटा गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ज्योति भाई, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर साइंस में तीनों ही चीजें ज्यादा आती है बेटा, इक्वल ही आती है तीनों, दो दो तीन तीन परसेंट, चार चार परसेंट सभी के ही आ जाते हैं, तो तीनों के इक्वल ही पार्ट होते हैं। बायोलॉजी का थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन है तो ये ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो क्या बन जाते हैं प्यारे बच्चों? जब पानी के अंदर, पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अगर पानी में से गुजरेगी, CO2 अगर पानी में से गुजरेगी तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा? ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, और कार्बोनिक एसिड है तो ओबीसी बात है भाई साहब, इसका नेचर क्या हो जाएगा? ये एसिडिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, ये अम्लीय नेचर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका अम्लीय नेचर हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि आपके सोडा वाटर के अंदर, आपकी कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों आप लोग कहोगे कार्बनिक एसिड पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है जी। ठीक है, ठीक है भाई, सभी करेंगे बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स सारी चीजें करेंगे। विच ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अंदर सबसे अधिक, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है प्यारे बच्चों? तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि स्किन जो है, त्वचा जो है, ये हमारी शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लेकिन यही अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लेता, अगर सबसे बड़ी ग्लैंड पूछ लेता तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाता लीवर। क्या हो जाता? लीवर हो जाता। ठीक है, यकृत हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑर्गन पूछा है तो आपका आंसर आएगा त्वचा, स्किन आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा? स्किन आएगा, त्वचा आएगा। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है, शाबाश सुरेंद्र भाई, आरुषि दलाल, वेरी गुड भाई, स्किन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अधिकांश कीड़े कहां से सांस लेते हैं? हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट्स रेस्पायर? जो कीड़े होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं सर, अनिता सिंह अभी आपका कमेंट दिख गया है मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन 9 तो बहुत पीछे चला गया बेटा, क्लास के बाद में पूछना लास्ट टाइम में। ठीक है, चलिए बताइए मुझे क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अधिकांश कीड़े जो होते हैं वो कहां से सांस लेते हैं? भाई हम सांस कहां से लेते हैं? तो हम जो मनुष्य की बात करें तो हमारे फेफड़े होते हैं प्यारे बच्चों, हम फेफड़ों से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से सांस लेते हैं जी। ठीक है, सबसे हैवी सर कौन सा है? समझा नहीं भाई मैं, सबसे हैवी। ठीक है, फेफड़ों से सांस लेते हैं। और अगर हम बात करें तो जो इंसेक्ट्स होते हैं बेटा, उनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है। उसके अंदर क्या होता है? उनकी बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी में ट्रैकियल सिस्टम होता है। और ट्रैकियल सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा,
क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है प्यारे बच्चों उनके अंदर, ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा वो सांस लेते हैं। उमारी उनकी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है, श्वास नलिकाएं जो होती है उनकी बॉडी के अंदर फैली होती है, तो उसी श्वास नलिकाओं के द्वारा वो क्या लेते हैं, ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा सांस लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। शाबाश भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। वीडियो को शेयर कर दो भाई आप सारे, कर दी ना सभी ने शेयर, बहुत अच्छे भाई साहब, आप अपने आप कर दोगे, मुझे पता है आप लोग बहुत ही शानदार हो, ठीक है। ये मन ने भी कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो और बात करें हम मेंढक की, मेंढक किससे सांस लेता है प्यारे बच्चों, मेंढक की बात करें तो मेंढक किससे सांस लेता है, फ्रॉग की बात करें तो प्यारे बच्चों फ्रॉग अपनी स्किन से भी सांस लेता है, और किससे भी सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है, फेफड़े भी उसके 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 अंदर। हम मनुष्य की बात करें तो हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, मछलियां जो होती है उनके अंदर गिल्स होता है, फिश की बात करें प्यारे बच्चों, मछलियों की बात करें तो मछलियों के अंदर क्या होते हैं, तो मछलियों के अंदर गलफड़े होते हैं, वो अपने गलफड़ों से सांस लेती है, हाँ के ना, वो अपने गलफड़ों से सांस लेती है। मेंढक की बात करें तो मेंढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है, ठीक है, इसलिए वो मिट्टी में भी रहता है। और कीड़े मकोड़ों की बात करें प्यारे बच्चों तो उनके ट्रैकिल सिस्टम होता है, वो ट्रैकिल सिस्टम से सांस लेते हैं, ठीक है बच्ची, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, एंडोस्कोप जो होता है, एंडोस्कोपी की जाती है ना हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की जांच करने के लिए, एंडोस्कोपी की जाती है। ये कह रहा है एंडोस्कोपी जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है, प्यारे बच्चों एंडोस्कोपी जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। सर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके ऊपर आधारित होता है एंडोस्कोपी, ठीक है। एंडोस्कोपी एक प्रोसेस होती है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की जांच करने के लिए, ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा इस बात का। तो एंडोस्कोपी किसके ऊपर होता है प्यारे बच्चों, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों आजकल जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, आजकल जो ऑप्टिकल फाइबर्स जिसके आपका वाईफाई वगैरह चलता है, तो ऑप्टिकल फाइबर भी किस प्रिंसिपल पर बेस होते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, ठीक है। डी ऑप्शन सबका सही है, वेरी गुड भाई, ममता माथुर, दिव्या रानी, सुजीत कौर, HR जाट, वेरी गुड भाई, ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है, प्रकाशीय तंतु होते हैं। इसके अलावा हम बात करें प्यारे बच्चों, इसके अलावा बात करें मिराज जो दिखाई देता है आपको, मिरीचिका जो दिखाई देती है, वो मिराज भी किससे दिखाई देता है मेरे दोस्त, मिराज का दिखना भी किसका उदाहरण है, TIR, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन का उदाहरण है, ठीक है, हाँ वेरी गुड जी, वेरी गुड, ठीक है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन, ये अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा है, पूरा इन्होंने नहीं लिखा, भूपरपट्टी के अंदर, भूपरपट्टी के अंदर, हाँ डायमंड हीरे का चमकना भी TIR का उदाहरण है भाई, शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना भी किसका उदाहरण है, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना भी किसका उदाहरण है, TIR का उदाहरण है प्यारे बच्चों, किसका उदाहरण है, हीरे का चमकना भी किसका उदाहरण है, TIR का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है, हाँ सड़क पे जो पानी वानी सा दिखाई देता है उसी को बोलते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, भूपरपट्टी के अंदर, भूपरपट्टी होती है ऊपर वाला जो पार्ट होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो कौन सा होता है मेरे भाई, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सिलिकॉन होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, सिलिकॉन होता है। और तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर क्या होता है, तो सबसे पहले होता है मेरे भाई, सबसे पहले होता है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में, उसके बाद होता है प्यारे बच्चों सिलिकॉन, और उसके बाद होता है मेरे दोस्त एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके बाद क्या होता है एल्यूमिनियम। अब पूछे जाए आपसे कि भूपरपट्टी में, जो भूपरपट्टी होती है क्या होती है, भूपरपट्टी जो होती है अर्थ क्रस्ट जो होती है, इसके अंदर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व एलिमेंट कौन सा है, तो आप कहोगे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन है, लेकिन अगर पूछ ले सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो एल्यूमिनियम है। अगर ये पूछे होल अर्थ, पूरी पृथ्वी के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व प्यारे बच्चों आयरन होता है, लोहा होता है, पूरी पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली धातु क्या होती है, लोहा होती है, लेकिन अर्थ क्रस्ट की बात करें, भूपरपट्टी की बात करें तो प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम होती है, और एलिमेंट की बात होती है तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मिट्टी का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिट्टी, ठीक है,
व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिट्टी, सोयल का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, मिट्टी का फार्मूला क्या होता है बताइए, मिट्टी का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, ठीक है। ऑल वर्ल्ड नहीं, पूरी होल अर्थ, पूरी पृथ्वी के अंदर बच्चे, ऑल वर्ल्ड की और दुनिया की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बादल वायुमंडलीय में उससे कम होने के कारण तैरते हैं। भाई जो अपने क्लाउड होते हैं वो फ्लोट करते हैं, बादल जो होते हैं वो ऊपर तैरते हैं, है ना, अपने वायुमंडल में। क्यों तैरते हैं भाई, ऐसी क्या चीज होती है कि वो वायुमंडल में तैरते हैं, ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो उनकी हवा से कि वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो सर कोई चीज अगर ऊपर है कोई चीज नीचे है तो ये डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पर। किस पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों, डेंसिटी पर निर्भर करता है, बिल्कुल। सिलिका बोलते हैं, Si2O, ठीक है आलिशा, वेरी गुड प्यारे बच्चों। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, तो ये उसकी डेंसिटी, उसके घनत्व पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या होता है, बादल क्यों तैरते हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि बादलों का घनत्व, आप कहोगे सर कि बादलों का घनत्व जो होता है, बादलों की जो डेंसिटी होती है, बादलों का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो डेंसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, अपना जो वायुमंडल है, अपना जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर अपना जो एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर के अंदर जो गैसेस होती है, उन गैसों से क्या होती है प्यारे बच्चों, उन गैसों से कम होती है, उन गैसों से क्या होती है, कम डेंसिटी होने के कारण, लो डेंसिटी होने के कारण, कम घनत्व होने के कारण बादल जो है वो फ्लोट करते हैं प्यारे बच्चों, बादल जो है वो तैरते हैं, क्या होने के कारण, कम डेंसिटी होने के कारण, ड्यू टू लो डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, घनत्व की यूनिट क्या होती है, और घनत्व की डायमेंशन क्या होती है, दोनों बताइए मुझे। घनत्व की इकाई क्या होती है, घनत्व का मात्रक, डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, और इसकी विमाएं क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट मुझे इसका भी आंसर दे दीजिए। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है और डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। थैंक यू ममता जी, ठीक है। तो हम साइंस के क्वेश्चन ही इतने सारे पढ़ देंगे भाई मेरे, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ देंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ देंगे कि बाहर से आने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, है ना। साइंस के क्वेश्चन इतने सारे पढ़ देंगे भाई, बाहर से आने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो अगर बात करें डेंसिटी की मात्रक की, तो प्यारे बच्चों डेंसिटी क्या होती है, तो मास बाय वॉल्यूम होती है, तो मास का किलोग्राम होता है बटा में वॉल्यूम, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है प्यारे बच्चों, और जब मीटर क्यूब ऊपर आता है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। और जब इसकी डायमेंशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो डायमेंशन मैंने आपको पहले भी बताया है, एम एल और टी की फॉर्म में लिखी जाती है। एम किलोग्राम का जिक्र हुआ एक बार, लंबाई का जिक्र हुआ -3 बार, समय का कोई जिक्र हुआ नहीं, हुआ तो 0 निकाल लोगे ना डायमेंशन, ठीक है। सिंपल, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन की बात करें मेरे दोस्त तो डायमेंशन अपनी ऐसे निकल जाएगी, डायमेंशन एम एल टी की फॉर्म में निकलती है, विमाएं हमेशा एम एल टी की फॉर्म में निकलती है। एम का मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, एल का मतलब होता है प्यारे बच्चों लंबाई यानी कि लेंथ, और टी का मतलब होता है मेरे दोस्त समय, जिसका जितनी बार जिक्र किया जाए उसकी पावर में उतनी ही वैल्यू रख दो, अपने आप डायमेंशन निकल जाएगी, अपने आप विमाएं निकल जाएगी, ठीक है। थैंक यू किरण दत्तरवाल जी, थैंक यू सो मच, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड, यूरिया रक्त से अलग होती है, ये काम कौन करता है, यूरिया हमारे बॉडी का एक, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, ठीक है, इतना ना चढ़ाया करो तुमने। चलिए भाई, हमारी बॉडी से यूरिया अलग होती है, यूरिया सेपरेट होती है, वो किससे होती है, हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो यूरिया को हमारे ब्लड से अलग करता है, जो यूरिया को हमारे ब्लड से अलग करता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कौन करता है, तो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, जो ब्लड को फिल्टर करेगा, फिल्टर करेगा तो ही तो ब्लड में से यूरिया बाहर निकलेगी। यूरिया हमारे शरीर का एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये वेस्टेज होती है, इसको बाहर निकालना है, इसको बाहर कौन निकालेगा, तो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा, और ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करेगा, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कौन करेगा आपका, किडनी करेगा, आपके गुर्दे करेंगे, कौन करेगा आपकी, किडनी गुर्दे। अब मुझे ये भी बता दो किडनी की यूनिट क्या होती है, मैंने कल ही बताया था आपको किडनी की इकाई क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी, गुर्दों की इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों,
बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ। हाँ डी ऑप्शन सही होगा, आंत थोड़ी करेगी। ए ऑप्शन कौन कह रहा है? निधि बेटा गलत बोल रहे हो, है ना? ओके 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 ठीक है। नेफ्रोन, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। इसके मात्रक क्या होता है? नेफ्रोन। नेफ्रोन करता है सर ये काम, कौन करता है? ये नेफ्रोन करता है प्यारे बच्चों, कौन करता है? नेफ्रोन। नेफ्रोन करता है किडनी के जो भी काम होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन का जो मेन काम होता है वो कौन करता है? नेफ्रोन करता है। स्किन से बाहर नहीं निकलता प्यारे बच्चों, ये किडनी से बाहर निकलता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द बोन्स आर हेल्ड टूगेदर बाय दी अनदर बोन्स। जो अपने कह रहा है एक लोचदार उत्तक होता है हमारी बॉडी में, उस उत्तक का क्या नाम होता है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ के रखता है? ऐसा कौन सा टिश्यू है हमारी बॉडी का? कुमार विनोद, वेरी गुड भाई। किरण, कुलदीप, ममता, मधु, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? बोन्स को बोन से कौन कनेक्ट करता है? हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है मेरे दोस्त, बताइए। हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? और यहीं पर एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं प्यारे बच्चों कि सर बोन को मांसपेशियों के साथ कौन जोड़ता है? बोन को हड्डी को मसल्स के साथ, मांसपेशियों के साथ कौन सा उत्तक कनेक्ट करता है? तो दोनों वेस्कुलर टिश्यू है हमारे, संयोजी उत्तक है। तो दोनों के नाम बता दीजिए भाई। ठीक है, मांसपेशियों से कौन कनेक्ट करता है बताइए प्यारे बच्चों, कौन करता है? तो आप कहोगे सर हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लिगामेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? लिगामेंट होता है। क्या होते हैं? कहते हैं ना कि इसके लिगामेंट टूट गए, यानी कि हड्डी का जो जोड़ था वो टूट गया, उसको लिगामेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको टंडन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टंडन बोलते हैं इसको। ठीक है, टंडन क्या बोलते हैं इसको? इसको टंडन बोलते हैं। ठीक है, लिगामेंट और टंडन। ठीक है जी, हाँ लिगामेंट एंड टेंडन्स, वेरी गुड। अनिल कुमार, कुमार विनोद, वेरी गुड। किरण, कुलदीप, बहुत अच्छे प्यारे। ठीक है कविता, ओके बेटा, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गैसो होल क्या होता है? भाई गैसो होल क्या है? व्हाट इज द गैसो होल? ये बताओ सर, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द गैसो होल? गौरव भाई नमस्ते। ठीक है, गैसो होल क्या होता है? गैसो होल, गैसो होल क्या होता है? तो आप कहोगे सर गैसो होल क्या होता है? शाबाश ज्योति, वेरी गुड। गैसो होल क्या होता है प्यारे बच्चों? तो गैसो होल होता है जो हमारा पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल, पेट्रोल के अंदर जब अल्कोहल मिला दी जाती है तो वो बन जाता है हमारा गैसो होल। और गैसो होल का कहाँ यूज करते हैं? तो गैसो होल का यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल नीता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये है। गैसो होल क्या होता है प्यारे बच्चों? गैसो होल एक ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये पहाड़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहाड़ों वगैरह में जब गाड़ी जाती है, ऊंचे स्थानों पर गाड़ी जाती है, तो वहां पे पेट्रोल वगैरह जम ना जाए, इसीलिए गैसो होल का यूज किया जाता है। और गैसो होल क्या होता है? जब पेट्रोल के अंदर इथाइल एल्कोहल मिला दिया जाए, जब पेट्रोल के अंदर प्यारे बच्चों क्या मिला दिया जाए? पेट्रोल के अंदर जब एल्कोहल मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? पेट्रोल के अंदर जब एल्कोहल मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है मेरे दोस्त? तो वो गैसोहोल बन जाता है। क्या बन जाता है उसको? गैसोहोल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कि पेट्रोल और प्लस में इथाइल एल्कोहल आपका क्या कहलाता है मेरे दोस्त? गैसोहोल कहलाता है। क्या कहलाता है? गैसोहोल कहलाता है। ठीक है ओके, समझ में आ गया कि गैसोहोल का यूज कहाँ किया जाता है? तो गैसोहोल की बात करें प्यारे बच्चों, तो गैसोहोल का यूज किया जाता है ईंधन के रूप में, एज ए फ्यूल इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जब आप पहाड़ों वगैरह में जाते हो ना, तो गाड़ी के ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है जब पहाड़ों पर जाते हैं तो आपको। ठीक है, हाँ याद आ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? चुंबक का सबसे अधिक स्ट्रोंगेस्ट पॉइंट कहाँ होता है, जहां पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है? चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है, या चुंबक सबसे अधिक मजबूत कहाँ होता है? पोल्स पर होता है, या फिर कह रहे हैं चुंबक के केवल दाहिने पोल पर होता है, या चुंबक के सेंटर पे होता है, या चुंबक के ध्रुवों के भूमध्य रेखा के बिंदु पर होता है? कहाँ होता है भाई? चुंबक का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? ठीक है ओके 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 ओके, चुंबक का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर होता है बताइए प्यारे बच्चों, चुंबक का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? ठीक है शाबाश, पोल्स के ऊपर होता है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। कहाँ
कहां पर होता है? पोल्स के ऊपर होता है। अगर एक बात करूं मैं एक बार मैग्नेट की, एक छड़ चुंबक की, तो प्यारे बच्चों इसके दो पोल होते हैं, एक होता है इसका नॉर्थ पोल, एक होता है इसका साउथ पोल। जब जो मैग्नेटिक लाइंस चलती है वो मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से चलती है मेरे भाई, इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस चलती है, चुंबकीय रेखाएं चलती है इस तरह से। तो जहां पर मैग्नेटिक लाइंस की संख्या ज्यादा होगी, जहां पर चुंबकीय रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, तो देखो कहां पर ज्यादा है, तो आप कहोगे सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये चुंबकीय रेखाएं, इनकी संख्या ज्यादा है। और जहां पर मैग्नेटिक लाइंस, जहां पर चुंबकीय रेखाएं ज्यादा होंगी, वहीं पर क्या होगा? चुंबकीय इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव ज्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं ऐसा कहां होता है? जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा है वहीं पर चुंबकीय प्रभाव ज्यादा है। तो प्यारे बच्चा ऐसा कहां पर होता है? तो आप कहोगे चुंबक के दोनों पोल्स पर होता है, चुंबक के दोनों ध्रुवों पर होता है, नॉर्थ पोल प्लस में साउथ पोल दोनों पर ही होता है। पोल के दोनों, मैग्नेट के दोनों ध्रुवों के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव होता है। सबसे कम पूछे तो प्यारे बच्चों चुंबक के सेंटर में सबसे कम प्रभाव होता है, पोल्स के ऊपर होता है सबसे अधिक प्रभाव होता है। कारण क्या है? मैंने आपको बता दिया, कारण है मैग्नेटिक लाइंस। सबसे अधिक प्रभाव होता है कहां पर? पोल्स के ऊपर। और सबसे कम प्रभाव की बात करें तो चुंबक के केंद्र में, चुंबक के केंद्र में, चुंबक के सेंटर पर सबसे अधिक प्रभाव होता है सेंटर पर, क्योंकि सेंटर पर मैग्नेटिक लाइन्स होते ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। लाइक लुइक जो तुम्हारा मन करे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का वो कर दो भाई, मैं नहीं बोलता होता क्लास में। ठीक है, एस्ट्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? एस्ट्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है बताइए प्यारे बच्चों। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ाया करो सर। अच्छा, इससे जल्दी क्या बताऊं भाई? एस्ट्रोजन का उत्पादन क्या होता है? एस्ट्रोजन क्या होता है भाई? एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन होता है। क्या होता है? थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या होता है भाई? ये महिलाओं के अंदर एक सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, सेक्स हार्मोन का काम क्या होता है? इनका काम होता है भाई हमारी बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो द्वितीयक सेक्स विशेषताएं हैं, उनको डेवलप करना। जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं बच्चों के अंदर या किसी भी के अंदर, महिलाओं के अंदर या पुरुषों के अंदर, तो वो ये सेक्स हार्मोन करते हैं। तो एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं का एक सेक्स हार्मोन होता है। और ये पूछ रहा है ये किसका उत्पादन, इसका प्रोडक्शन कहां पर होता है? तो प्यारे बच्चों यहां पर जो है ना, यहां पर दिया हुआ है फॉलिकल्स। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये एक प्रकार का सैक होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है। वैसे अगर बात करें तो इसका ओवरी, ओवरी जो होती है ना प्यारे बच्चों, ओवरी अंडाशय जो होते हैं ये इसका निर्माण करते हैं। अंडाशय में इसका उत्पादन होता है प्यारे बच्चों। कहां पर होता है? ओवरी के अंदर होता है, अंडाशय के अंदर होता है एस्ट्रोजन। एक दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रोन। महिलाओं में दो पाए जाते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्यारे बच्चों प्रोजेस्ट्रोन। अगर हम बात करें पुरुष की, अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में एक ही सेक्स हार्मोन होता है और टेस्टोस्टेरोन। वो कौन बनाता है? तो सर वो टेस्टिस बनाती है। और महिलाओं में बात करें प्यारे बच्चों, तो महिलाओं में सेक्स हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कौन करती है? ओवरी करती है। एक तो एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्ट्रोन होता है। दो सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं भाई। ठीक है, जो क्या करते हैं ये सेक्स हार्मोन, क्या करते हैं प्यारे बच्चों? तो ये सेक्स हार्मोन जो हमारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जो हमारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्स विशेषताएं जो होती है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स विशेषताएं डेवलप करते हैं। ठीक है, जिस तरह आवाज वगैरह का चेंज होना, ठीक है, और भी बहुत सारी सेकेंडरी सेक्स विशेषताएं हैं, उनको करता है सर। ठीक है, हाँ, यूट्रस नहीं होता बेटे ये। हाँ, इसमें यहां पर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यही एक ओवरी का पार्ट है, बाकी हमारे ओवरी के पार्ट नहीं है। एग, हाँ एग है ओवरी का पार्ट, लेकिन एग कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता। एग है और ओवरी का पार्ट, लेकिन वो हार्मोन रिलीज नहीं करता। यूट्रस कभी नहीं करता प्यारे बच्चों, यूट्रस कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता। यूट्रस का काम क्या होता है? यूट्रस का तो काम होता है एम्ब्रियो जो बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो जो बनता है, तो एम्ब्रियो को क्या करना होता है? एम्ब्रियो को क्या करना होता है बच्चे? भ्रूण को वहां पर रखते हैं हम लोग गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, ये गर्भाशय का तो काम सिर्फ इतना होता है, यूट्रस का काम तो सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? वहां पर एम्ब्रियो को रखना। तो यहां पर बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरी, ये अंडाशय का ही एक पार्ट होता है, सैक होता है। ये एक लिक्विड उसके अंदर पाया जाता है, लिक्विड नहीं, जेलीनुमा एक पदार्थ पाया जाता है, इसको बोलते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 20, इसका भी आंसर दीजिए। ये कह रहा है व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द ह्यूमन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट देन ब्लड मूव्स टू। ये कहता है जब हमारा बायां वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को प्यारे बच्चों हिंदी में नीले के नाम से भी जानते हैं, तो ब्लड किसकी तरफ मूव करता है? ठीक है, किसकी तरफ मूव करता है? कोई बात नहीं, आप लोगों का गलत हो रहा है तो आप लोगों के गलत पर्सन को ठीक करवाने के लिए ही हम लोग लगे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों मैं कहता हूं आप लोग कंटिन्यूसली मेहनत कीजिए, आपका भाई आपके साथ है। ठीक है सर जी, आपको मेरे निधि दलाल कमेंट सीन हो रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मैसेज तो क्या है, कमेंट आ रहे हैं बच्चे आपके, आ रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे, बताइए भाई। ये कह रहा है मानव हृदय का जब बायां वेंट्रिकल, जब हमारा, देखिए ये मानव हार्ट होता है, ठीक है, कैसा होता है हार्ट? ऐसा ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं होता भाई साहब, ये तुम्हारे वाला होता है, अलग हिसाब किताब का होता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाओ इसको, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, ये इसके चार पार्ट होते हैं। ठीक है, ये इसके चार पार्ट होते हैं, तो ये हार्ट इस तरह से रखा हुआ है, ये ही इस तरह से रखा हुआ है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा राइट साइड और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड। ये होता है नीचे वाले को बोलते हैं अपन वेंट्रिकल, ये नीले, ये होता है नीले, ठीक है, वेंट्रिकल या फिर इसको नीले बोला जाता है। यहां से आता है इम्प्योर ब्लड, यहां से आता हुआ यहां पर लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर यहां आता हुआ इसमें जाता है, और यहां पर लगी होती है प्यारे बच्चों ओरोटा, यहां पर लगी होती है क्या? ओरोटा, महाधमनी, ओरोटा। ठीक है, यही हमारे सब बॉडी की सबसे बड़ी धमनी है प्यारे बच्चों, महाधमनी। इसके अंदर प्योर ब्लड जाता है, महाधमनी के अंदर यहां से प्योर ब्लड। तो जब ये सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेगा लेफ्ट साइड वाला, तो ब्लड कहां मूव करेगा? ओरोटा की तरफ मूव करेगा, महाधमनी की तरफ मूव करेगा। गुड इवनिंग जी, बबली जी गुड इवनिंग, शाबाश सर। मैडम देखेगी? कौन मैडम देखेगी भाई? ठीक है, ओरोटा, ओरोटा को बोलते हैं महाधमनी। ठीक है, लब डब की साउंड आती है, लब डब की साउंड। लब डब की साउंड कब आती है? जब प्यारे बच्चों यहां पर होते हैं त्रिवलनिक पार्ट, ट्राइकस्पिड वाल्व हो लगे होते हैं, जब यहां से प्रेशर आता है ना, ये खुलती है अचानक से, डब लब डब लब डब, जब ये खुलती है और बंद होती है ना, तो यहां से साउंड आते हैं प्यारे बच्चों लब डब की। ठीक है, किसकी साउंड आती है? लब डब की। जब यहां पर ये ट्राइकस्पिड वाल्व लगी होती है ना, ये जब खुलती है तो साउंड आती है लब डब की, लब डब की साउंड आती है। मेरा बहुत मन करता है यार बायोलॉजी की थ्योरी पढ़ाने का आपका, लेकिन क्या करें, पढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी इतना समय बचा नहीं है थ्योरी पढ़ाने का। ठीक है, तो लबडब की साउंड आती है प्यारे बच्चों, और जो प्रेशर बनाने का काम करता है वो यहां पर लगा होता है, ऐसे नोड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? साइनो ओरिकल नोड बोलते हैं, साइनो ओरिकल नोड, ये प्रेशर बनाता है। जैसे ही प्रेशर बनेगा ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगी, टक ब्लड जाएगा इधर, इम्प्योर ब्लड फेफड़ों में जाएगा, इधर लंग्स में जाएगा, है ना, फिर वापस आएगा, फिर इधर के जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, मरमर की भी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु शामिल होती है? हीमोग्लोबिन कंटेन विच मेटल, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु शामिल होती है? ठीक है, कौन सी धातु शामिल होती है भाई हीमोग्लोबिन में, बताओ। शाबाश भाई, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने 50 लाइव कर दिए, अब 100 भी कर दो फटाफट, है ना, थैंक यू सो मच। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कॉपर पाया जाता है, अगला क्या, मेलिब्डेनम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। प्यारे बच्चों इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, आयरन पाया जाता है भाई, लोहा, हीम का मतलब ही लोहा होता है, इतना आसान क्वेश्चन, आए हाय हाय। हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब ही क्या होता है मेरे दोस्त? आयरन होता है, लोहा होता है ना, और जो हमारे ब्लड का जो लाल रंग होता है ना प्यारे बच्चों, ठीक है, लाल रंग, लाल रंग मूवी देखी है तुमने, रणदीप हुड्डा की? नहीं देखी? जो लाल रंग होता है प्यारे बच्चों वो इसी की वजह से होता है, इस आयरन की वजह से होता है। ठीक है, इस आयरन की वजह से, Fe2+ आयरन हमारे ब्लड में पाया जाता है, इसी की वजह से हमारा ब्लड लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग मूवी देखी है? कौन देखी? हम अपने चैनल को टोक लेंगे। थैंक यू समीर भाई, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है भाई साहब, आप कर सकते हो। ठीक है, हम करके दिखाएंगे हमारी मेहनत और जज्बे के दम पर, बिल्कुल करके दिखाएंगे सब। ठीक है, 4% लगभग, हाँ 3-4% होता है ये। ठीक है,
एक प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर, विटामिन क्या होते हैं भाई, व्हाट इज द विटामिन। ठीक है, क्या कह रहे हो, लाल रंग। हाँ लाल रंग, खुद देखिए ना आपने, मेरा नाम से शंकर भगवान को न्या, है ना, एक नंबर गजब। जिसने नहीं देखी वो देखो भाई, पेपर से पहले जरूर देखना, सारी टेंशन कम हो जाएगी, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना। बताइए भाई विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं प्यारे बच्चों, तुक्का ना मारो। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी होते हैं, राम खोरो। विटामिन क्या होते हैं, थप्पड़ खाओगे तुम, लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी होते हैं, सी ऑप्शन क्यों दे रहे हो। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा विटामिन हमारी बॉडी में क्या करते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है विटामिन। ठीक है, विटामिन हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बिल्कुल, विटामिन हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करते हैं भाई, ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। किससे बचाते हैं प्यारे बच्चों, ये बीमारियों से बचाते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से। ठीक है, अरे भैया ब्रजेंद्रा सिंह, भोजेंद्रा वर्मा, मैराथन तो कर दें, लेकिन मैराथन के लिए बच्चे चाहिए भाई साहब। हाँ, बॉडी की पूर्ति करते हैं। किसकी पूर्ति करते हैं भाई, ठीक है, इम्यूनिटी, ये हमारी बॉडी में भाई साहब इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं हमारे शरीर को, है ना, तो इस तरह के काम होते हैं इनके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए कौन सा कंपोनेंट फंक ने खोज की थी। अच्छा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। बताइए इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। ठीक है, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए। एनर्जी नहीं देते प्यारे बच्चों, एनर्जी विटामिन नहीं देता, एनर्जी देने का काम सिर्फ तीन करते हैं, एनर्जी देने का काम तो कौन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तीन ही कंपोनेंट करते हैं। अगर बात करें मेरे दोस्त ऊर्जा की, एनर्जी देने का काम करते हैं प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तीसरे नंबर पर देता है मेरे दोस्त फैट। हालांकि फैट में ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन हम इससे लेते कम है, हम हमारी बॉडी सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे लेती है, कार्बोहाइड्रेट से लेती है, लेकिन फैट में ज्यादा होती है, लेकिन फैट से हम ज्यादा एनर्जी लेते नहीं, क्योंकि फैट ज्यादा नहीं खाते हम लोग, है ना। प्रोटीन एनर्जी देता है, साथ के साथ ये बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, शरीर का निर्माण करता है, सर ये बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करता है प्रोटीन। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करता है प्रोटीन। ठीक है जी, हाँ आंसर बताइए मुझे क्वेश्चंस का। कौन सा तत्व पेड़ पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो प्यारे बच्चों सोडियम पेड़ पौधों के लिए कोई जरूरी नहीं होता, सोडियम पेड़ पौधों के लिए जरूरी नहीं होता। ठीक है, सोडियम पेड़ पौधों के लिए कोई जरूरी नहीं होता। कुछ लोग तो कुछ लोग कह रहे हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो बहुत जरूरी पोषक तत्व होता है मेरे दोस्त पेड़ पौधों के लिए। एनपीके, एनपीके भी बहुत जरूरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पेड़ पौधों का न्यूट्रिशन होता है एनपीके। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पेड़ पौधों के न्यूट्रिशन की बात करें मेरे दोस्त, तो आपका एनपीके आता है। ठीक है, खाद डालते हैं ना हम एनपीके, एनपी का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों मैग्नीशियम पत्तियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर पूछे कौन सा तत्व तो पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है बताइए, पूछा जाए क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्लोरोफिल की बात करें प्यारे बच्चों, तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में जो सूरज की किरणें हैं, जो सनलाइट है, इनको अब्जॉर्ब करने का काम करता है प्यारे बच्चों, इनको अवशोषित करने का काम करता है। क्या करता है, इनको अवशोषित करने का काम करता है, इनको ऑब्जर्व करने का काम करता है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, हाँ, समझ गए, सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती प्यारे बच्चे पेड़ पौधों को। हाँ, कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम तो मैंने बता ही दिया, पेड़ पौधों के लिए काफी एसेंशियल एक
न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन बी फाइव इज कॉल्ड, विटामिन बी फाइव का नाम क्या होता है? ठीक है, हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। बताइए भाई आंसर, बताइए क्वेश्चन का, विटामिन बी फाइव क्या कहलाता है, विटामिन बी फाइव का नाम क्या होता है? ठीक है, बताइए विटामिन बी फाइव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? देखिए भाई बी फाइव इस तरह से याद रख सकते हैं, फाइव, फाइव का मतलब होता है पेंटा, फाइव किसको बोलते हैं बेटा, पेंटा को। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे दोस्त पेंटाथेनिक एसिड, बी फाइव, विटामिन बी फाइव पेंटाथेनिक एसिड। तो अगर मैं बात करूं विटामिन बी फाइव की, तो विटामिन बी फाइव जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी होती है, बताइए प्यारे बच्चों, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अगर विटामिन बी फाइव की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? और दूसरी प्यारे बच्चों, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से हमें यह मिलता है, स्रोत क्या है? पहली बात तो विटामिन बी फाइव के बहुत ही रेयर चांस होते हैं हमारी बॉडी में कमी होती है, विटामिन बी फाइव की कभी, तो क्या नाम से ही पता चल रहा है, फाइव का मतलब पेंटा और पेंटा का यहां पर एक ही नाम है, कौन सा बताइए, कौन सा है, फाइव, पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बात करें प्यारे बच्चों, इसके अंदर फोलिक एसिड होता है, रेटिनोल, रेटिनोल क्या होता है समझते हैं, और टोकोफेरोल किसे कहते हैं, चारों के ऑप्शन बता दीजिए मुझे। प्लेग्रा होती है, बिल्कुल, एंजाइटी टेंशन वगैरह होती है इससे विटामिन। सोर्सेज की बात करें प्यारे बच्चों, तो सोर्सेज हैं इसके जो एग होता है, अंडे के अंदर पाया जाता है, जो अपने नॉनवेज जितने भी होते हैं नॉनवेज के अंदर, सभी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नॉनवेज के अंदर, नॉनवेज की बात करूँ ना प्यारे बच्चों, नॉनवेज के अंदर लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं, लगभग। ठीक है, विटामिन सी तो मिलेगा क्योंकि विटामिन सी तो खट्टा होता है, विटामिन सी को छोड़ के लगभग सारे विटामिन नॉनवेज के अंदर पाए जाते हैं, चिकन मीट वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और एक दूध होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, टोकोफेरोल क्या होता है, टोकोफेरोल, ठीक है, हाँ, बाल सफेद हो जाते हैं, बाल गिरने भी लगते हैं, ठीक है, हेयर फॉल्स वगैरह, ये छोटी मोटी बीमारियां होती है, बहुत रेयर चांस होता है हमारी बॉडी में विटामिन बी फाइव की कमी होना। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होता है, होती है नहीं, हमारे जैसे लोगों को नहीं होती, बाहर लोगों को होती है ना। टोकोफेरोल क्या होता है, विटामिन डी होता है या विटामिन ई होता है, हैं, टोकोफेरोल, अच्छा ये जो टोकोफेरोल होता है इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, किसकी काम आता है ये टोकोफेरोल बताओ, तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, द वेवलेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट, दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का विस्तार कितना होता है? थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विटामिन ई होता है टोकोफेरोल, इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों, किस नाम से जानते हैं, ब्यूटी विटामिन, सुंदरता वाला विटामिन होता है विटामिन ई, सुंदरता वाला विटामिन होता है ब्यूटी विटामिन। ठीक है, विटामिन डी का नाम तो कैल्सीफेरोल होता है, विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं इसको, सुंदरता वाला विटामिन कहते हैं, है ना। बताइए दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का विस्तार कितना होता है, जो अपनी विजिबल लाइट होती है इसकी वेवलेंथ कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो इसकी वेवलेंथ होती है 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 380 या 390 है ना, इतनी ही होती है, से 780 नैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी, विजिबल लाइट होती है ना, इनके अंदर अलग अलग वेवलेंथ, नैनोमीटर का मतलब समझते हो, नैनोमीटर, नैनोमीटर किसके बराबर होता है, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो एक नैनोमीटर हमारा बराबर होता है 10^-9 मीटर की, और एक एंगस्ट्रॉम की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये 10^-10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये यूनिट होती है इसकी, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम से हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा, ठीक है जी, ठीक है, नैनोमीटर लिखा है इसने, माइक्रोमीटर नहीं लिखा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य कौन सी लाइट की होती है, तो आप कहोगे रेडियो वेव्स की होती है, लाइट की तो क्या होती है, लाइट में तो रेड लाइट की होती है, लाल रंग के प्रकाश की सबसे ज्यादा होती है। अगर हम बात करें कौन सी तरंगों की, तो आप कहोगे सर रेडियो वेव की सबसे ज्यादा होती है,
सबसे कम की बात करें प्यारे बच्चों, तो सबसे कम गामा वेव की होती है। किसकी होती है? गामा रेज की होती है। गामा किरणों की सबसे कम होती है। किसकी होती है? गामा रेज की सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा की बात करें प्यारे बच्चों, तो रेडियो वेव्स की होती है। ठीक है, गामा किरणों की वेवलेंथ सबसे कम होने के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। और आवृत्ति सबसे ज्यादा होने के कारण प्यारे बच्चों, इसके अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। और ऊर्जा सबसे ज्यादा होने के कारण इसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है। और इसकी भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने के कारण इसका यूज कैंसर के उपचार में किया जाता है। देखो कितनी सारी बातें हम लोगों ने याद पढ़ दी है। किसी चीज से कैंसर के उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है, ड्यू टू इट्स पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, क्लाइमेट में कौन सी रेज यूज होती है? मैं समझा नहीं भाई आपकी बात। क्लाइमेट में यूज क्या होता है? क्लाइमेट में तो कोई ना, यूज क्या होता है? मैं समझा नहीं आपकी बातचीत को। यूज कौन सी रेज का होता है? ठीक है भाई, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, कीमोथेरेपी बोलते हैं कैंसर के उपचार को। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। तो अगर आप लोग मेरी किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मनदीप गोदारा सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं मनदीप गोदारा ऑफिशियल के नाम से। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, हमारे तो क्या भाई, आपके इस यूट्यूब चैनल पर हर रोज सुबह 9:30 बजे, इसके अलावा 9:30 बजे एनिमल हस्बेंड्री, जो एक काफी एसेंशियल पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, उसके एमसीक्यूज की सीरीज होती है। ठीक है, तो सुबह 9:30 बजे सारे बच्चों को आना है। और एक प्यारे बच्चों, सुबह 6 बजे अपने इंग्लिश की क्लास होती है, सुबह 6 बजे इंग्लिश एमसीक्यूज की क्लास होती है। ठीक है, इंग्लिश एमसीक्यूज की क्लास होती है। और रात को 9 बजे प्यारे बच्चों एक क्लास होती है, किसकी? साइंस की क्लास होती है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई डिमांड है तो यू कैन फ्रीली टेल मी। और क्लास कैसी लगी मेरे बच्चों, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताओ, और बाकी बच्चों तक शेयर भी करना। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं, अपने इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना चैनल है, मैं प्रॉमिस करता हूँ भाई। ठीक है, कंटिन्यूसली जितना हो सकेगा मेरे से मैं आप लोगों की उतनी हेल्प करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, नो का आंसर अभी बता देते हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाई। अगर आप लोग इसके अलावा कोई और बातचीत मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आप लोगों की राय है तो भाई साहब आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा था प्यारे बच्चों? ये था क्या? सोडा वाटर। सोडा वाटर, इसका आंसर एसिडिक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 है ना? हाँ, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अम्ल बन जाएगा बच्चे। कौन सा? अकार्बोनिक अम्ल। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, 5 का आंसर बताना भाई, क्वेश्चन 5 का भी आंसर बता दो भाई इनको। ठीक है, क्वेश्चन 5 का आंसर बता देते हैं प्यारे बच्चों, एक मिनट रुक जा, तू क्वेश्चन 5 का भी आंसर बता देंगे तेरा। एक पेंडुलम, ये लंबाई पर निर्भर करता है प्यारे बच्चे। ये किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ये बराबर होता है टू पाई अंडर द रूट L by G, L का मतलब लंबाई, तो लंबाई पर निर्भर करेगा। दैट्स इट, सिंपल पेंडुलम की बात हो रही थी सर ये। ठीक है, और बताइए भाई मेरे। थैंक यू HR81 जाट भाई, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों क्लास हैं आप लोगों के लिए, जिसने नहीं देखी है। ठीक है, जिसने नहीं देखी है वो जा करके देख लें। और कंटिन्यूअसली हमारी ये क्लास चलती है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी अगर कोई गलती हो गई हो आपके छोटे भाई से तो भैया हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है सर। एक वो 260 क्वेश्चन वाली बुक का नेम बता दो। 260 क्वेश्चन वाली कौन सी बुक है भाई? 260 क्वेश्चन वाली मेरे पास कोई बुक नहीं है भाई, वो एक पीडीएफ थी सर के पास, वो सर ने पीडीएफ भेज दी, आपके टेलीग्राम पे डाल दिया, वो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी। ठीक है, वो एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता, वो सर को पता है, उनके पास थी। ठीक है,
मैं तो भाई इंटरनेट से डाटा कलेक्ट करता हूँ, अलग अलग ये जो क्या बोलते हैं इनको, ये जो अपने HAU है इनकी वेबसाइट से जाकर के डाटा कलेक्ट करता हूँ, उससे क्वेश्चन बनाता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। वो MCQs वाली बुक कहाँ है, किसकी है, वो मेरे को नहीं पता। ठीक है चलिए, थैंक यू भाई, थैंक यू HR जाट भाई, तेरा नाम बोल दे, नाम बोल देंगे हम, है ना। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए अपने भाई को, और मिलते हैं हम लोग, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे और कल सुबह 9:30 बजे, दोनों टाइम, जहाँ से आपको जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है, कब डाली, एनिमल हस्बेंड्री की क्लास डाली थी मैंने, आज सुबह ही डाली थी, आज भी डालेंगे। ठीक है चलिए मेरे दोस्त अमित धनखड़ भाई, गुड इवनिंग। एनिमल हस्बेंड्री की बुक नहीं है बेटा, मेरे पास कोई बुक नहीं है एनिमल हस्बेंड्री की, मैं इंटरनेट से डाटा कलेक्ट करता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे पास कोई बुक नहीं है। बुक होती तो मैं जरूर डालता, बुक होती तो मैं जरूर डालता, है ना। अपने वाले टेलीग्राम पे वो मैंने शेयर की थी, वो सर ने भेजा था और मैंने आपको शेयर कर दी थी, उसमें जो क्वेश्चन है वो देख लो, उसमें उतने ही क्वेश्चन है वो देख लो आप लोग, क्वेश्चन तो आपके सामने ही है वो, है ना। बाकी हम MCQs कर रहे हैं, मैं डेली आपको MCQs करवाऊंगा, टेंशन मत लो, डेली हम लोग MCQs करेंगे सुबह 9:30 बजे। कविता देखो कमेंट ड्रॉप किए इसके लिए भाई, मैं आपसे सॉरी चाहूंगा, क्योंकि भाई देखो अगर पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट है तो मैं लूंगा, पढ़ाई के अलावा किसी प्रकार के कमेंट का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा भाई, मैं पहले ही कहता हूं, और इस बात से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, इस तरह के अननेसेसरी कमेंट का मैं जवाब नहीं दूंगा, इस चीज के लिए सॉरी। ठीक है क्रांति करनी पड़ेगी, क्रांति करो चाहे क्रांता करो भाई, इस चीज के लिए मैं सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। ठीक है हाँ, टेलीग्राम चैनल पे वो डाली हुई है, देख लो भाई उसको एक बार जाकर के, अगर आपको सही लगे वो तो वहां पर जाकर के देख लो। ठीक है, और तो क्या बात है भाई। ठीक है लंबी करो भाई, लंबी कर देंगे बेटा। ठीक है चलिए भाई, थैंक यू सो मच, अब बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। ठीक है चलिए, बाय बाय, टेक केयर।